हाँ जी मुरली में आया है कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अरे सभी का दान करता होता है। अभी आया मुरली में? मुरली में आया है। अच्छा पहले कभी आया? हाँ तुम बच्चे ही काल पर जीत पाते हो। तो अडवांस नॉलेज में 10-15 साल चलने के बाद भी कोई का शरीर छूट जाता है, हाँ तो ऐसे साबित होगी उनका ये अंतिम जन्म नहीं था। तो अंतिम जन्म नहीं था इस जन्म उनके लिए? हाँ अंतिम जन्म नहीं था। क्यों 84वां जन्म नहीं था? वो तो फिर भी जन्म ले सकता है। हाँ एडवांस में है तो क्यों नहीं जन्म ले सकता है? अगर बेसिक में है तो संभावना हो सकती है कि सूक्ष्म शरीर मिले सदा काल के लिए, स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एडवांस में आ गया है, उसको एडवांस में सिखाया गया, निश्चय हो गया कि हम तो इसी शरीर से क्या करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यही तो सिखाया जाता है यहाँ। जीते जी स्वर्ग में जाना है या मर करके जाना है? जीते जी स्वर्ग में जाना है। तो ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा अंत मते सो क्या होगा, है? सोई गति होगी। तुमको अनिश्चय कैसे आ गया कि ये 84वां जन्म नहीं है? शरीर छूट जाता है तो अगला जन्म जो मिलेगा वो 21वां जन्म होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होगा या 84वां जन्म होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होगा, वो 84वां अंतिम जन्म नहीं कहा जाएगा। उसी शरीर से कंचन काया बनाकर कहाँ पहुंचेगा? नई दुनिया में पहुंचने वाला है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हुआ या 84वां जन्म हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हुआ। कोई कोई आत्माएं दो दो जन्म भी लेते हैं ब्राह्मण कुल में। और जोर से बोलो। अरे वही वही बात है, बार बार पूछते हैं। हाँ बोलो। यज्ञ के आदि में कोई राधा थी या नहीं थी? जिसने राम को धारण किया ऐसी कोई थी या नहीं थी? है कोई ऐसी निश्चय बुद्धि थी जिसने राम को धारण किया, राम के पुरुषार्थ रूपी धनुष को कहो, चाप को कहो, जहाज को कहो, धारण तो किया और धारण करके कृष्ण जैसी आत्मा को जन्म देने के लिए निमित्त बन गई, कोई थी या नहीं थी? राधा थी। तो वो राधा शरीर छोड़कर अभी फिर अनुराधा बनेगी या नहीं बनेगी? राधा अनु माने अनुकरण करना, राधा को अनुकरण करेगी या नहीं करेगी, अर्थात राम को धारण करेगी या नहीं करेगी? है किसी और को धारण कर लेगी? अरे न हान न वही राधा वाली आत्मा दूसरा जन्म लेकर के राम वाली आत्मा को धारण करेगी या नहीं धारण करेगी? करेगी, तो अनुराधा हुई ना। और है हाथ उठाना। हाँ तो दोनों माता में जो प्रवेश किए, दोनों माताओं में प्रवेश किया, उसमें से पहले कौन सी माता में प्रवेश किया? दोनों माताओं में प्रवेश किया, ये कौन सी मुरली माया? दो माताएं हैं ना, दो माता में
एक तो बात यह है कि प्रवेश किया तो माता के रूप में प्रवेश किया या बाप के रूप में प्रवेश किया? माता के रूप में प्रवेश किया, क्योंकि बाप के रूप में तो बाप सिर्फ एक ही मुकर्रर रथ में आता है, कोई दूसरे मुकर्रर रथ में नहीं आता। अगर वो प्रवेश भी करे तो मुकर्रर रथ नहीं कहा जाएगा, जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी रथ होंगे और मुकर्रर रथ तो एक ही होता है। तो यज्ञ के आदि में एक माता का तो जिक्र मिलता है, वो रुद्रमाला का मणका होगा या विजयमाला का मणका होगा कि दोनों माताओं में प्रवेश कर सकता है आदि में? है रुद्रमाला के मणके रुद्राक्ष किस बात की यादगार है? अरे कुछ यादगार है कि नहीं है? किस बात की यादगार है? अरे उसमें मुख बने हुए होते हैं, ये ऐसे ऐसे मुख बने होते हैं कि नहीं? वो मुख लेने की यादगार हैं। कोई का एक ही मुख होता है और कोई में अनेक मुख होते हैं। एक मुख से याद करने वाला, एक मुख वाला अच्छा या अनेक मुखों से बात करे वो अच्छा? कहते हैं तुम तो दुमुहे हो। दुमुहा सांप अच्छा माना जाता है कि एक मुहा तीखा माना जाता है? एक मुख वाला तो तीखा माना जाता है, तो दुमुहा तो कहते हैं ये तो दोगला है, दो मुंह से बात करता है। जैसे कोई कोई को भक्ति मार्ग में छह मुख दिखा दिए, कोई को चार मुख दिखा दिए, कोई को पांच मुख दिखाई दिए, कोई को दस मुख दिखाई दिए, तो ये अच्छे साबित होंगे या बुरे साबित होंगे? है ये तो बुरे साबित हो जाएंगे। आदमी को एक मुख से बात करनी चाहिए या अनेक मुख की बात करनी चाहिए? एक मुख की बात करनी चाहिए एकदम। तो शिव बाबा एक ही मुकर्रर रथ में आते हैं, वो तो रुद्रमाला का, वो रुद्राक्षमण का है जिसमें एक ही मुख होता है, लेकिन वो बिरला मिलता है या बहुधा मिलता है? बिरला मिलता है। और दो मुंह वाले, चार मुंह वाले, आठ मुंह वाले, अनेक मुख वाले अनेक मिलते हैं, जिनसे साबित होता है कि और मुखों ने प्रवेश किया है, अनेक मुखों ने प्रवेश किया है। अगर एक मुख ने भी प्रवेश किया है तो माता के रूप में प्रवेश किया होगा। तो यज्ञ के आदि में दो माताओं में प्रवेश होना साबित होता है या एक ही माता में प्रवेश होना साबित होता है? है एक माता में प्रवेश होना साबित होता है। दस वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे, तो जिनमें प्रवेश करते थे वो कितने हुए? दो हुए। दोनों फीमेल थे या मेल थे? एक मेल एक फीमेल साबित होता है। तो एक रुद्रमाला का मणका हुआ जो जगदम्बा के रूप में रुद्रमाला का आखिरी मणका साबित हो जाता है। प्रश्न क्या था? दो माता हुए ना सर। हाँ, से पहले कौन सी माता हुए? हाँ जी, तो साबित हो गया ना, क्लियर हुआ ना। हाँ और देवी देवता
ये आगे वालों ने सुना ही नहीं, जो किसी ने सुना है पूरी बात क्या बोल रहे हैं। हाँ, देवी देवता धर्म वाली आत्माएं 84 जन्म लेती है। माने 33 करोड़ देवी देवता धर्म के नहीं होते हैं? जो ब्राह्मण बनते हैं वो देवता बनते हैं या नहीं बनते हैं? और ब्राह्मण 9 कुरी के होते हैं या एक ही कुरी के होते हैं? है? तो नीची कुरी वाले नीची सीढ़ी में आवेंगे या ऊंची सीढ़ी में आवेंगे? है? कहां आवेंगे? जो नीची कुरी के होंगे वो नीचे आवेंगे और जो ऊंची कुरी के होंगे वो ऊंची सीढ़ी में आवेंगे। ऊंचे सीढ़ी में आने वालों की संख्या तो निश्चित कर दी, कितनी? जो ऊंचे से ऊंची सीढ़ी में आते हैं उनकी संख्या कितनी है? नहीं, 4.5 लाख है। बाकी 4.5 लाख तो उनमें प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, उनका गायन नहीं है। 84 जन्म भर लेते हैं, 9 लाख, लेकिन 84 जन्म लेने के बावजूद भी वो बाप से 9 लाख डायरेक्ट पद नहीं पाते। डायरेक्ट बाप से लेने वाले टोटल संख्या कितनी है? 4.5 लाख। बाकी तो देवताएं 33 करोड़ हैं, वो 33 करोड़ भी देवता की लिस्ट में आते हैं। देवता धर्म द्वापर के बाद, वो त्रेता के अंत में, द्वापर के आदि में खत्म हो जाता है या अंत तक चलता है? तो और धर्मों की आत्माएं अंत तक आएंगी, परमधाम से नीचे उतरेंगी, और देवता धर्म की आत्माएं द्वापर युग से आना बंद हो जाएंगे। हैं? हैं? वो तो अंत तक भी आवेंगे। देवता धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता। अगर देवता धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे नहीं आवेंगी तो जो और धर्म की आत्माएं होती हैं, दुष्ट प्रकृति की होती है, भोले भाले स्वभाव की होती है या चांगड़े स्वभाव की होती है, वक्र स्वभाव संस्कार की होती है या सीधे साधे भोले भाले प्राणी होते हैं, वक्र स्वभाव की होती है, वो दूसरे धर्म की आत्माएं किसमें प्रवेश करेंगी? देवता धर्म की आत्माओं में ही प्रवेश करती है। देवताएं धर्म वाले ही बेचारे सीधे साधे होने के कारण, भोले भाले होने के कारण दूसरों की बातों में आ जाते हैं। देवता धर्म की आत्माएं ही कन्वर्ट होती हैं, और धर्म की आत्माएं कन्वर्ट नहीं होती हैं, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। हाँ, देवता धर्म के जो पक्के होते हैं वो सिर्फ 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी नंबरवार हैं, एक जैसे बीज नहीं है। चारों मुख्य धर्मों में बीज है, इसलिए जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कम से कम कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1 लाख शालिग्राम जरूर बनावेंगे।
अगर 1,00,000 शालिग्राम नहीं बनाते हैं तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, अधूरा माना जाता है। तो 1,00,000 आत्माओं की बात तो अलग है, बाकी जितने भी हैं 33 करोड़ वो सब कलयुग के लास्ट जन्म के लास्ट चांस तक भी आते रहते हैं, और वो आएंगे तब ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की आत्मा उनमें प्रवेश करेगी। इसलिए मुरली में बोला है क्राइस्ट आदि की आत्माएं 33 करोड़ देवताओं में टाइम टू टाइम प्रवेश करती ही रहती हैं, और अभी संस्कार को मानने में समय नहीं बता। हाँ कुछ ना अभी हाँ, लेकिन सेवा में हाल से हाल की संस्कार से जब तक ही निभा जाए तो संस्कार है मानने के समय नहीं लगा। कुछ समझे क्या बोला इन्होंने, किसी की समझ में नहीं आया। आप डायरी पढ़ के क्यों बता रहे हैं, डायरेक्ट धड़ाधड़ा आप अपने क्या नाम उसमें हिंदी में नहीं तो उसमें बोल दीजिए, अब उड़िया में, उड़िया में उड़ जाओ, बोलो 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 क्या कहना चाहते। आप हिंदी मत बोलिए, नहीं आती है तो छोड़ दो। बोलो उड़िया जानने वाले हिंदी जानने वाले बोलो क्या बोला है? आप अपनी बात उड़िया में बोल दो फिर हिंदी बोलने वाले को बोलने दो। सेवा करेंगे तो याद आएगी, सेवा नहीं करेंगे तो याद नहीं आएगी। तो याद से संस्कार खराब खत्म होते हैं या नहीं खत्म होते हैं? है जो संग का रंग लगा है विधर्मियों का वो खत्म होगा या नहीं होगा? याद से पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, पाप कर्म कहो पाप के संस्कार कहो वो खत्म हो जाएंगे। और शरीर के अंदर आत्मा सर्वव्यापी, हाथ उठाना। हाँ जी, एक मुस्लिम है शरीर के अंदर आत्मा सर्वव्यापी है, ये कैसे हो? उंगली काटते हैं, उंगली काटते हैं वो फड़फड़ाती रहती है कि नहीं है? जड़ चीज फड़फड़ाती है नहीं? चैतन्य की परिभाषा भी मुरली में बताई है, चैतन्य की परिभाषा है बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। क्या? या तो बोलता है कुछ न कुछ आवाज करता है, या तो कुछ हलन चलन करता है, तो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। तो शरीर में आत्मा है या नहीं है? हाँ, एकाग्रता की शक्ति से आत्मा को इतना एकाग्र कर सकते हैं कि युद्ध की भूमि में ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनके हाथ पांव कटते रहे और घाव पे घाव होते रहे, फिर भी अंतिम क्षणों तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी। रखी या नहीं रखी? रखी। तो इससे क्या साबित होता है, उनकी आत्मा उस समय एकाग्र स्टेज में थी या देह में धरी थी? एकाग्र स्टेज में आ जाती है।
सेवा करने का तरीका पूछो, पूरा करने का तरीका पूछो, विधि क्या है? अरे तुम्हें जैसे आता हो सच्चे दिल से बोलते रहो, विधि क्या होती है? सच्चे दिल पर साहबराजी, दिल की सच्चाई चाहिए, जो कुछ है सत्य समझा है वो ही सत्य बोलना है। अगर लगता है कि ये सत्य नहीं है तो उसे वेरीफाई कराओ बड़ों से। दिल नहीं मानता है तो फिर बड़ों से बड़ों के आगे बढ़ते जाओ, बाप के पास पहुंच जाओ, वेरीफाई करा के छोड़ो। पुरुषार्थ में बहुत आते आते चले जाते। हाँ तो बहुत आते हैं, आती है, टिकते नहीं है। हाँ तो अपनी गलती कहाँ हुई? अपनी गलती क्यों हुई? हाँ तो हमारी आत्मा भी जरूर धक्के खा रही है अभी। हमारी आत्मा आती है जाती है, बाप के पास टिकती है और बाप के पास से टिक करके फिर भाग जाती है। हाँ एक बाप के लिए जरूर बताया है कि ऐसा भी टाइम आने वाला है कि जो बाप को देखेगा, जो बाप को सुनेगा, उसकी बुद्धि में क्या बैठ जाएगा, मेरा बाप आ गया। तो ये संपन्नता की निशानी है या अधूरेपन की, अधूरे पुरुषार्थ की निशानी है? संपन्न स्टेज के पुरुषार्थ की निशानी है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका जन्म सिद्ध अधिकार है? आत्मिक स्टेज वाले का जन्म सिद्ध अधिकार है या देवान वाले का जन्म सिद्ध अधिकार है? आत्मिक स्टेज वाले का जन्म सिद्ध अधिकार है। और आठ तैयार होते हैं तो फिर बाद में जो सौ तैयार होते हैं रुद्रमाला में सीधा नारायण मिल जाता है। माने रुद्रमाला में 108 नहीं है, 150 है, तो फिर क्या बात? तो रुद्रमाला 108 की स्पेशल, रुद्रमाला भी 108 की है, विजयमाला भी 108 की है। तो बाद में तो सब होते ही हैं, नंबरवार तो होते ही हैं। कोई ऐसा होता है जो इकट्ठा एक ही सेकंड में प्रत्यक्ष हो जाए? आठ जो हैं वो नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे? एक ही सेकंड में नंबरवार होंगे, आठ में भी नंबरवार हैं, क्योंकि आठ धर्मों के आठ पूर्वज हैं। हर धर्म में सच्चाई है कुछ न कुछ, कोई में कम सच्चाई है, कोई में 100% सच्चाई है। तो 100% सच्चाई का भी कोई बीज है जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक भी सच्चाई पर अटल रहता है या झूठा हो जाता है? हैं? सच्चाई पर अटल रहता है। आदि में सृष्टि के आदि में विष्णु है, मध्य में है या अंत में है? विष्णु कब है? नई सृष्टि के आदि में है या नहीं है?
नई सृष्टि के आदि में विष्णु है तो अंत में है या नहीं है? अंत में भी लक्ष्मी नारायण है, वो सत्य नष्ट नहीं होता है, सत्य सदैव कायम रहता है। इसलिए गीता में बोला है ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का तो अभाव होता ही नहीं है, भले दिखाई पड़े तेसर जन्मों में अथवा कोई को न दिखाई पड़े। न दिखाई पड़ने का कारण यह है कि संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है उसमें छल छिद्र किया है, सच्चा पोता मेल नहीं दिया है। और हाँ जी, अगर जून 18 तक दिसंबर 22 को उनकी जो कल्पन रेखा और मकर रेखा पर अवस्थित होती है, लंबे दिन और लंबे रात की छुट्टी होती है, फिर ड्रामा ज्ञान कर दो। क्या बोला समझा? जून 22 कोई माता बताओ क्या बोला? ये आगे वालों को पता नहीं चल रहा है। रुको रुको, 21 जून और दिसंबर 22 को पृथ्वी कंकट रेखा और मकर रेखा पर पहुंचती है, अब लंबे दिन और लंबे रात की शूटिंग होती है पृथ्वी पर। काल तो वही दिन था जून 21 और इसका शूटिंग कैसे होती है? 21 जून को पृथ्वी मकर रेखा और कर्क रेखा पर तो 21 जून 22 दिसंबर माना सूर्य जो है, हाँ सूर्य पृथ्वी की ऐसी रेखा पर चमकता है जहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं। सीधी पड़ती है तो दिन लंबा होता है। हाँ, जब मकर रेखा में पड़ेगा दिन रात ज्यादा लंबी होती है। हाँ, तो वो दिसंबर मकर मकार अच्छा होता है या कर्क अच्छा होता है? हाँ, कुछ कर्म अरे वो अच्छा या मक्कारी करे वो अच्छा? वो करके मरे तो अच्छा, वो कर्क रेखा है वो ऊपर वाली है या नीचे वाली है? ऊपर वाला जो करके मरे सो कर्क रेखा, जो मक्कारी करे सो मकर रेखा, वो नीचे की स्टेज में है। मकर रेखा की जो और देश है वो मुसलमानी देश है या देवी देवता धर्म के हैं? मुसलमानी देश हैं। कर्क रेखा कौन से देश को छूती है? भारत को छूती है। भारत में भारतवासी हैं, देवताएं हैं, तो कर्क रेखा देवताओं के ऊपर जब सीधा सूर्य पड़ेगा तो ज्ञान दिन होगा या ज्ञान की रात होगी? सोझरा हो जाएगा ज्ञान का। जो काम करे और बीच में छोड़ दे वो अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? या तो काम करे ही नहीं और करे तो चाहे मर जाए लेकिन करके छोड़े। एक बार भगवान को पहचान लिया, भगवान के बन गए, तो भगवान का कार्य करके छोड़े या अनिश्चय बुद्धि हो गए और बीच में ही छोड़ दें? करके छोड़े, मक्कारी न करें तो नाम पड़ गए कर्क रेखा और मकर रेखा। जो काम नहीं करना चाहते हैं वो मकर नुकर करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और
बाबा स्वर्ग में देवी देवता का नाम लिया जाता है क्यों? बिना नाम के कैसे पहचानेंगे? संगम युग में कृष्ण आकर के बोला जाता है। संगम युग में जो बोला जाता है वो काम के आधार पर बोला जाता है, तो पहचान हो जाती है हमको। सतयुग त्रेता में नाम तो होंगे लेकिन हमको पहचान नहीं होगी कि इनका नाम कृष्ण क्यों पड़ा, इनका नाम राधा क्यों पड़ा। और यहां हमको पहचान हो जाती है कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो इनका नाम कृष्ण पड़ा, इनका नाम राधा पड़ा, इनका नाम राम पड़ा, इनका नाम रावण पड़ा, मेघनाथ पड़ा। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो कहां की यादगार हैं? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में जिस समय परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है उस समय के संपन्न स्टेज की यादगार नाम है। इसलिए भक्ति मार्ग में नाम का बहुत गायन है। कि काम का गायन है, नाम का गायन है, लेकिन भक्त बेचारे ये जानते ही नहीं कि नाम वाला कब होता है? है नाम वाला तब होता है जब कोई काम किया हो, काम करके दिखाएंगे तो नाम वाला होगा। ऐसा नाम वाला होगा कि जन्म जन्मांतर लोग वो नाम ही जपते रहेंगे। कुमार को विष्णु पितामह जी से बनना है, कुमार को विष्णु पितामह जी से बनना है, ठीक है, अधर कुमारों को अधर कुमारियों को बोल तो दिया लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अधर कुमारों का तो बहुत नाम वाला होगा, कुमारों का इतना नाम वाला नहीं होता। युगल का मतलब क्या हुआ? युगल जो है वो अधर कुमार अधर कुमारी है या नहीं है? है राजयोग से प्राचीन राजयोग से पैराडाइज बनता है। तो ये जो शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अभी जो योग की जरूरत है ना, करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लक्ष्य ही गलत है। हमें शरीर को तंदुरुस्त करना है या आत्मा को तंदुरुस्त करना है? शरीर को तंदुरुस्त करेंगे तो 36 प्रकार के भोग लगाएंगे या सादा भोजन करेंगे। आत्मा तो शरीर में ही निवास करती है, भले करती है, शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन जड़ देह के ऊपर हुआ या कॉन्सेंट्रेशन चैतन्य आत्मा के ऊपर हुआ? देह के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो देह की सबसे ताकत मारने वाली इंद्रिय कौन सी काम करेगी? ओए होए बताओ ना। बोलता ही नहीं। और हाँ है आदमी हाथ तो उठाओ। हाँ, कई लोग दुख दर्द में है, बड़ा बीमारी है, वो लोग बोलते हैं वो बुरा कर्म किया है, लेकिन जो पशु पक्षी है वो जो दुख दर्द में है बीमारी है। हाँ, हो गया आपकी बात समझ ली किसी ने। हाँ, ज्ञान भी जो दुख दर्द में है उनका बोला जाता है बुरा कर्म किया है तो ऐसा हमको पाया। तो पशु लोग जो होते हैं उनका क्या, उनके काम के क्या संबंध है? पशु पक्षी जो हैं वो बुरा कर्म और अच्छा कर्म करने वाले नहीं होते हैं। पशु पक्षियों में दूसरों को दुख देने वाले पक्षी और दूसरों को सुख देने वाले पक्षी नहीं होते हैं, है? होते हैं। और वो पक्षियों वाली आत्मा पक्षियों में ही जन्म लेती है या मनुष्यों में जन्म लेती है? पशु पक्षी पक्षियों में ही जन्म लेते हैं, लेकिन पशुओं में जन्म लेने के बावजूद भी कोई न कोई जन्म में
मनुष्यों के संग में आते हैं, मनुष्यों के वाइब्रेशन के अंडर में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं तो उनके ऊपर असर पड़ जाता है। जैसे ऋषि मुनियों का गायन है कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते थे कि शेर और बकरी एक घाट आकर के पानी पीते थे, उनकी हिंसकपना खत्म हो जाता था। और अच्छा बाबा, ये जो धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र जो बहन है, हाँ जी, वो हद का है या बेहद का अर्थ समझ नहीं है? बेहद आप किसे समझते हैं और हद किसे समझते हैं? हद में जो कर्म क्षेत्र है उसको हम कुरुक्षेत्र माने कुरुक्षेत्र का जो शहर है, उस शहर के आसपास जो मैदान है वो हद का मैदान है। वो कुरुक्षेत्र हद का मैदान की बात नहीं है। कुरुक्षेत्र माने कुरु माने करना, क्षेत्र माने भूमि, युद्ध भूमि। जो कर्मों की युद्ध भूमि है उसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। ये सारे संसार में फैला हुआ है, यह सिर्फ कुरुक्षेत्र में है। सारे संसार में कुरुक्षेत्र फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र में जो सेनाएं थी उनकी संख्या कितनी बताई गई है? मनुष्यों की, हाथियों की, घोड़ों की, ऊंटों की, पैदल सवारों की, टोटल संख्या कितनी बताई? 18 अक्षौणी, आज की जितनी मनुष्यों की जनसंख्या है, इतनी संख्या है। तो वो मनुष्यों की जनसंख्या हुई आज की दुनिया के, या हाथी घोड़ों की संख्या? मनुष्य ही हाथी घोड़ों जैसे आचरण करने वाले हैं। तो बेहद का कुरुक्षेत्र भी है, कुरु माने करो, कैसे किया जाता है? अरे कुछ किया जाता है तो माध्यम क्या होता है? इंद्रिया, इंद्रियों से जो कुछ करने वाले हैं वो कुरुक्षेत्र के मैदान में करने वाले हैं। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध है। कुरु की औलाद कौन कहे गए? कौरव है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये करेंगे करेंगे, ये देहभान हुआ या आत्माभिमान हुआ? ये देहभान की औलाद है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वास्तव में सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रकटे क्रियमाणाने, हर मनुष्य आत्मा का अपना अपना जो स्वभाव संस्कार है उसके अनुसार उस आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं उसमें सब बंधे हुए हैं। प्रकृति के तीन गुण हैं, सत रज तम, ये टाइम टू टाइम उदित होते रहते हैं पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार, समय की रील में घूमते रहते हैं। जैसा जैसा टाइम आता जाता है वैसे वैसे कर्म करते जाते हैं। मनुष्य क्या समझता है? कौन करता है? हैं? मैं करता हूं। ये मैं करता हूं, अर्जुन जो कहता है कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सब विनाश हो जाएंगे, ये मेरे संबंधी हैं, तो ये सत्य कहता है या झूठ कहता है? हैं? झूठ कहता है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। कोई आत्मा कभी मरती है क्या? नहीं। तो कुरु माने करना, कुरु की औलाद माने कौरव। भीष्म पिता में भी किसकी औलाद हुए? कौरव की संतान, कुरु की औलाद हुए।
अभी सारी दुनिया कौरव है या पांडव भी हैं? है क्या है? पहले तो सारे कौरव थे पांडव, जो पांडव भी थे उनका भी पूर्वज कौन था? कुरु था, राजा कुरु। तो मैं करने वाला हूं ये कौरों की बात है। बनना क्या है? पांडव बनना है, पंडा की औलाद। पंडा जैसे कहता है वैसे करना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम गुड्डे गुड़िया हैं उसके या हम करने वाले हैं? हम तो गुड्डे गुड़िया हैं, वो जैसे चलाना चाहता है वैसे ही हम चलें, तो हम पांडव तो चलते हैं। अगर गृहस्थी हैं तो 8 घंटा सेवा करते हैं, करते हैं। हाथ उठाओ, कौन कौन करते हैं? अरे एक भी हाथ नहीं उठाता है? तो सब कौरव है क्या? है आधे कौरव, तो आधे हाथ उठाना चाहिए ना। है देखो, सबको चेहरा दिखा दो, टीवी में ले लो, ये 8 घंटा रोज सेवा करते हैं, खड़े तो हो जाओ। अरे सबको देखने तो खुशी आएगी सबको, कम से कम इतना एक पांडव तो निकला है। 8 घंटा सेवा करते हैं, कुछ रिजल्ट? बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं कि हम 8 घंटा सेवा करते हैं, हम बहुत सेवा करते हैं, इतना सेवादारी कोई भी नहीं है जितना हम सेवा करते हैं, तो बाप मानेंगे? आज मुरली में क्या बोला? सिर्फ कहने से बाबा नहीं मानेंगे, क्या कहेंगे? प्रूफ, कोई प्रूफ है? अरे इतने बैठे हुए हैं, इतने में कोई प्रूफ है जिनकी आपने सेवा की और सेवा करके वो निकल आए? कोई प्रूफ निकला? अरे एक भी नहीं निकला, और सेवा बहुत की, 8 घंटे रोज सेवा करते रहे है। इसको कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। हिंदी में फिकरे हैं बहुत अच्छे अच्छे। रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। तो अभी तक हम सब किसकी औलाद हैं? अगर 8 घंटे सेवा नहीं करते हैं तो किसकी औलाद हुए? कुरु की औलाद, कौरव हुए। रावण संप्रदाय में है या राम संप्रदाय में है? रावण संप्रदाय में कहेंगे। महाभारत में उनको कौरव यादव कहा गया है, और रामायण में उनको कौन सा संप्रदाय कहा है? रावण संप्रदाय कहा है। और 8 घंटे याद रहना अलग बात, 8 घंटे याद में रहेंगे तो 8 की लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा चलो, कभी 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा कभी रहती है? कितना झूठ बोलते हैं। 1 घंटा कभी रहती है जिंदगी में? कभी रही? मनसा सेवा भी हो सकता है? मनसा सेवा भी हो सकता है? मनसा सेवा को याद कहा जाता है? यहाँ तो याद की बात हो रही है ना। अभी सेवा अलग सब्जेक्ट और याद, याद अलग सब्जेक्ट। किसी को सेवा करते समय अगर हम बोलते हैं कि मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं देते, तो सिर्फ 84 जन्म देते हैं, तो वो बोलते हैं कि 84 पर्टिकुलर तुम कैसे बोलते हो? वो 85 क्यों नहीं है? वो बोलते हैं कि 85 85 क्यों नहीं है? हाँ 83 क्यों नहीं है? हाँ इसीलिए बोलते हैं कि आकर के पहले 7 दिन समझो, इतनी बात तो मानो कि 84 का चक्कर है। मानेगा कि नहीं मानेगा?
अरे रुको, तुम इतना ज्ञान सुनाओगे 7 दिन तो ये बात बुद्धि में बैठेगी, चित्रों इत्रों को दिखाने से, सीढ़ी वगैरह समझाने से कि 84 का चक्कर है, 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं है, मानेगा या नहीं मानेगा? कम से कम इतना मान ले कि 84 का चक्कर हो सकता है, 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं हो सकता। अगर इतनी बात मान ली तो फिर समझाओ कि अच्छी आत्माएं इस सृष्टि पर पहले आएंगी या खराब आत्माएं इस सत्य युग में, सत्य खंड में पहले आ जाएंगी। अच्छी आत्माएं आएंगी, तो जो अच्छी आत्माएं हैं, अच्छे से जो अच्छी हैं, वो 1 लाख, क्योंकि 150 वर्ष की वहां आयु होती है। 150 वर्ष में 1 लाख योनियां नहीं उतर सकती, अच्छी अच्छी सुखदाई योनियां। अरे 1 लाख तो सुखदाई योनियां हो सकती हैं कि नहीं है? सुख हो सकती है। तो ऐसे ही 21 जन्मों में 21 लाख सुखदाई योनियां उतरती हैं और 84 जन्मों में 84 लाख सुखदाई दुखदाई दोनों तरह की उतरती हैं। इससे ज्यादा नहीं तो हिसाब लगाओ। आज की जिंदगी कंप्यूटराइज्ड जिंदगी हो गई है। कंप्यूटर ऐसी चीज निकली है जो हर बात को आगे चल के सिद्ध करेगा। और हाँ जी, जो धर्म है वो ब्राह्मण दुनिया में आएंगे या नहीं? क्यों नहीं आएंगे? सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनती है कि नहीं बनती है? जब सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद है तो आगे पीछे ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, भले नीची कुरी के ब्राह्मण बने लेकिन बनेंगे जरूर। और हाँ तीन कपड़ों की यादगार है, तीन कपड़ों की यादगार है तिरंगा झंडा। लाइट लगते हैं जो लोग मानते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो किस क्या है? हाँ, वो तीन कपड़ों का याद है। हाँ, पुलिस जो खड़े होते हैं वो जो कपड़ा पहनते हैं वो किसकी याद है? लाइट लगा, उसमें 3 लाइट नहीं होती है? तीन लाइट किसकी याद है? वो 3 लाइट कौन कौन से रंगी होती है? लाल, पीली और हरी। तो ये 3 लाइटें क्या साबित नहीं करती हैं? ये त्रिमूर्ति रोड है, रोड माने रास्ता। अरे किसके रास्ते पे चल रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो? तो कोई रास्ता है ना। शंकर को फॉलो करने वाले शैव समाजी हो, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी हो, या विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव संप्रदाय हो, 3 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं या नहीं है भारतवर्ष में? तो ये जो रोड पे खड़े होते हैं वो भी यही बात याद दिला रहे हैं। हाँ जी, वहां पे दिखाते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसा युद्ध अस्त्र था जो अर्जुन के लिए, अर्जुन को मार सकता था। कर्ण के पास ऐसा युद्ध अस्त्र है जो अर्जुन को मार सकता था। हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसको ऐसे कायदे से वो अर्जुन को भटक करके ऊपर वो हाँ उसके कारण अर्जुन जब बच गए। हाँ, अरे इसका बेहद घटोत्कच किसे कहा जाता है? अरे घट माने क्या, घड़ा माने क्या है? मिट्टी का घड़ा होता है ना,
तो जो अनुष्ठान किए जाते हैं उसमें घड़ा कब यूज किया जाता है? कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो घड़ा रखते हैं कि नहीं है? उसे कहते हैं कलश कहो, घड़ा कहो, कलशोत्कच नहीं कहा, क्या कहा? घटोत्कच, उत्त माने ऊपर, घटोत्कच है। पावरफुल है या कम पावरफुल है? पावरफुल है, पावरफुल तो है, लेकिन राक्षस है या देवता है? राक्षस कुल का है। माना जो भीम का पार्ट है वो राक्षसियों से भी कनेक्टेड है या नहीं है? है, है ना? और ऐसे राक्षसों को अगर वरदान मिल जाए, उनके ऊपर एटम बम की शक्ति यूज कर दी जाए या बड़ा शस्त्र यूज कर दिया जाए, तो देवताएं बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बच जाएंगे। तो राक्षस का संहार हो गया और अर्जुन पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अर्जुन बच गए, नहीं तो बेचारे ऐसे ही मारे जाते। हाँ, क्या हुआ? भूख लगी आई क्या? हैं? अष्ट? हाँ। पर्सनालिटी एक है या पर्सनालिटी कहते हैं शरीरधारी को? क्या? हाँ। और शरीर को धारण करने वाली है आत्मा। तो जो अष्ट देवियां हैं या अष्ट देव हैं, वो शरीर को धारण करने वाली आत्माएं हैं या सिर्फ शरीर हैं? है? आत्माएं हैं। शरीर भी आठ हैं और आत्माएं भी, तो आठ प्रकार के पार्ट बजाने वाले हैं या एक ही प्रकार का पार्ट बजाने वाले हैं? आठ प्रकार के पार्ट बजाने वाले। इसीलिए अव्यक्त वाणी में कहा है कि देवियां तो भला आठ नौ दिखाते हैं, लेकिन उनमें पार्ट बजाने वाली देवी एक ही है। कौन है वो एक? है लक्ष्मी, ब्रह्मा, अम्मा। अम्मा का प्रैक्टिकल रूप क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? दाढ़ी मूछ वाला अम्मा या उसका कार्य करने वाला कोई अम्मा है? कौन है? है? ओम राधे सरस्वती। तो ओम राधे सरस्वती देवी तो एक ही है, लेकिन शरीरधारी यंत्र अलग अलग हैं। जैसे जगदम्बा यंत्र है या उसमें पार्टधारी आत्मा है? है? पार्टधारी आत्मा जो जगदम्बा का पार्ट बजाती है वो ब्रह्मा है, क्योंकि मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। क्या बोला? वास्तव में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, दाढ़ी मूछ वाला है, दुर्योधन दुशासन पुरुष तन है। इसलिए इनके स्थान पर कन्याओं माताओं को चलाने के लिए किसको निमित्त बनाया गया? ओम राधे मम्मा को निमित्त बना दिया गया फॉर द टाइम बीइंग, कि हमेशा के लिए फॉर द टाइम बीइंग बना दिया गया। तो वास्तव में जिस समय दादा लेखराज ब्रह्मा जिंदा थे, वो थे तो वो ही जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा, लेकिन शरीर पुरुष का था इसलिए जगदम्बा नहीं कह सकते। फिर वही आत्मा जब कोई स्त्री चोले में माता के तन में प्रवेश करती है तो जगदम्बा है। जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है यह शरीर है,
ना ही पार्ट बजाती है। चैतन्य पार्ट बजाएगा या जड़ पार्ट बजाएगा? चैतन्य पार्ट बजाता है। लेकिन नाम आत्मा का होता है या देह का होता है? एक आत्मा ऐसी है जिसका नाम है आत्मा के ऊपर, कौन? शिव। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं उनका नाम किसके ऊपर पड़ता है? देह के ऊपर पड़ता है। तो स्त्री चोले में वही आत्मा प्रवेश करती है ब्रह्मा की, तो जगदम्बा का पार्ट है। और जब प्रत्यक्षता होगा, अभी प्रत्यक्षता आपको नहीं हुई है, दुनिया वालों के लिए। अच्छा, हाँ, कौन सा अलौकिक कार्य होगा? हाँ, कौन सा अलौकिक कार्य होगा? हाँ तो उठा दो, सहज ही मान लेंगे। हाँ, भगवान है। हाँ, जो दुनिया वाले, जब शिव बाबा का प्रत्यक्षता दुनिया में होगा, कौन सा अलौकिक कार्य होगा जो दुनिया वाले सहज ही मान लेंगे कि यही है शिव बाबा, यही है भगवान? अब व्यक्त स्टेज को मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो वो वही कार्य है, बना दो व्यक्त स्टेज। अभी क्या होता है? रोग आता है। अच्छा, कोई की अव्यक्त स्टेज बन गई? गुल्लार दादी की अव्यक्त स्टेज बन जाती है। शरीर गुलजार दादी का है या ब्रह्मा का है? तो गुलजार दादी की अव्यक्त स्टेज है या ब्रह्मा की अव्यक्त स्टेज है? प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त स्टेज में है, निराकार स्टेज में है, वो सदा काल है। अरे फिर तो चिपक जाना चाहिए। जब भगवान प्रत्यक्ष होगा तो लोग भगवान को छोड़ेंगे, छोड़ना चाहेंगे क्या? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। अनिश्चय बुद्धि कोई बनेगा? कोई अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगा। तो इसके अलावा हमको पहले भगवान मिलेगा या हिसाब किताब चुक्त होने के बाद भगवान मिलेगा? बिना हिसाब किताब चुक्त किए कैसे पहचान में आ जाएगा? तो अभी हम कैसे सेवा करेंगे किसको कि भगवान आया हुआ है, भगवान आया हमारे पास? तुम्हें निश्चय नहीं है तो काय के लिए सेवा कर रहे? कोई माने या ना माने, दूसरे के मानने के ऊपर हम सच्चाई सुनाएंगे क्या? कोई दूसरा मानेगा तो हम मानेंगे कि हमने सत्य सुनाया, ऐसे होना चाहिए। हमारे पास सब शरीर छोड़ते हैं। भगवान बोलते हैं कि भगवान है तुम्हारे संगठन में? हमारे संगठन में भगवान है। भगवान है तो रोग क्यों होता है? माने भगवान जहाँ आता है वहाँ रोग नहीं होना चाहिए, भगवान के आने मात्र से ही रोग खत्म। मन भगवान छू मंत्र कार्य करता है, भगवान प्रकृति के नियमों को तोड़ता है या प्रकृति के नियमों को अनुकूल चलता है? फिर है? अरे दुनिया वालों में सबसे पहले दुनिया वाले कौन है? हैं? पहले तो ब्राह्मण हैं दुनिया वाले। ब्राह्मणों में सारी दुनिया समाई हुई है। और प्रवेश करके शरीर में, हाँ, शरीर में उल्टी काम करा देती है। हाँ, तो कोई कोई कभी कभी जो आत्माएं क्रोध करते हैं, आत्मा से भी ज्यादा क्रोध करके कुछ बोल देते हैं या किसी को हाथ उठा लेते हैं, तो इसका ये समझना चाहिए कि इसके अंदर इंद्रियों का प्रवेश होता है या उसका स्वभाव संस्कार की वजह से? सोल ने अगर प्रवेश किया तो उसके अपने पूर्व जन्म के खराब कर्म बंधन है तब सोल ने प्रवेश किया, या अच्छे कर्म के कारण प्रवेश कर लिया? है खराब कर्म है उस सोल के साथ, उसका कनेक्शन अच्छा नहीं रहा है, तब वो सोल आई है हिसाब किताब लेने के लिए। तो जिम्मेवार कौन हुआ? जिम्मेवार शरीरधारी हुआ या प्रवेश करने वाली सोल जिम्मेवार हुई? शरीरधारी जिम्मेवार हुआ।
इसलिए तो बाबा कहते हैं कि आगे चल करके मौत का बाजार लगेगा, भूकंप होगा तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें 100-100 150 मार की जो बनी हुई हैं, उनमें करोड़ों की तादाद में मनुष्य रहे पड़े हैं, वो सब मर जाएंगे दब करके, अचानक मौत होगा। तो ये एक्सीडेंट होंगे इतने बड़े बड़े, उसमें जो मरेंगे वो भूत प्रेत नहीं बनेंगे, बनेंगे इतने भूत प्रेत बनेंगे, उनका उद्धार कहां से होगा? है कहां से उद्धार होगा? निमित्त कौन बनेंगे? हम बच्चों को ही निमित्त बनना है। ये 33 करोड़ देवात्माओं हैं जो निमित्त बनती हैं। ऐसे पाप कर्म करने वाली आत्माओं को आधार देने के, आधार तभी उनको मिलता है जब हमने पूर्व जन्म में उनके साथ कुछ बुरा काम किया है। बिना कर्मों की गति के तो कुछ होता ही नहीं। बिना प्रवेश का भी हिसाब किताब कैसे होगा? क्या बिना प्रवेश के कैसे हिसाब किताब होता है? बिना प्रवेश के कैसे हिसाब किताब चुप्त होगा? ये कौन कहता है बिना प्रवेश करे हिसाब किताब चुप्त हो जाता है? मैं ऐसा क्या पूछताछ करेंगे और बिना प्रवेश के हिसाब किताब चुप्त होगा? 24 घंटे अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही तो हो। अरे आत्मा बिंदी में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करेगा या स्थूल शरीर में प्रवेश करेगा? है देवान होगा तो देवान वाली आत्मा प्रवेश करेगी, या हम बिंदु आत्मा बने हुए होंगे तो प्रवेश करेगी? बिंदु सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है या स्थूल शरीर ज्यादा सूक्ष्म है? है बिंदु ज्यादा सूक्ष्म है, उसमें तो सूक्ष्म शरीरधारी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी आत्मा समझो। अभी कहते हैं तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, अरे तो रोज ही कहते रहते हैं। जब धड़ाधड़ 16 प्रवेश करने लगेंगे तब चकराएगी बुद्धि, अरे ये क्या हो रहा है।